दोस्तों, फिल्मी पर्दे पर आपने बहुत से एक्ट्रेसेस को देखा होगा, लेकिन आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं, वो हिंदी सिनेमा में अपनी खास जगह रखती हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्मिता पाटिल जी के बारे में। स्मिता जी हिंदी सिनेमा के होनहार एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। उन्होंने नमक हलाल, नजराना, वारिस जैसी कई अच्छी फिल्मों में काम किया है। वैसे तो स्मिता जी की और उनके काम की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है, लेकिन आज हम इनके बारे में नहीं बल्कि उनकी संपत्ति के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अपनी एक्टिंग से इन्होंने लोगों का प्यार तो पाया ही है, साथ ही पैसे भी भरपूर कमाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर स्मिता पाटिल की संपत्ति कितनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्मिता पाटिल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बनाई गई फिल्में आज भी लोगों को उतनी ही पसंद आती हैं जितनी पहले आती थी। वो किस तरह की जिंदगी जीती थी या कैसे घर में रहती थी, इसके बारे में कोई खास जानकारी तो पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है, लेकिन जो बात हम आपको बता सकते हैं वो ये है कि सादगी पसंद करने वाली स्मिता पाटिल की जिंदगी भी शांत और सुंदर रही होगी। उनके पास एक कार भी थी। बात करें उनकी संपत्ति की तो डेप्थ बायो वेबसाइट के अनुसार स्मिता पाटिल अपने पीछे 38 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई हैं। हिंदी सिनेमा की कुछ फिल्मों में काम करके ही स्मिता पाटिल ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे और उनकी संपत्ति इसी बात का सबूत है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।